हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है YRS क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम विषय अंग्रेजी कक्षा 10 के बहुविकल्पी प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसका मैं आज आप लोगों को एक तरीका बताने वाला हूं, जिससे कि अगर आपने अभी तक याद नहीं किया है तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को 4 नंबर जरूर मिल जाए। प्रश्न इस तरह से पूछता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट सिचुएबल अल्टरनेटिव टू द कम्प्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद ये चौथा। देख सकते हैं इसमें जो है इस तरह से पूछा गया है, क्या कह रहा है कि किंग विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर हिज, फिर उसके बाद हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसी तरह से 4 क्वेश्चन पूछता है, तो आपको करना क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ये जो 4 क्वेश्चन हमसे बहुविकल्पी वाला पूछा गया है ये किस पार्ट से पूछा जाता है कि इंग्लिश के, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है अंग्रेजी पार्ट के, अंग्रेजी लेसन से, सप्लीमेंट्री से। तो सप्लीमेंट्री की किताब में केवल 3 ही पार्ट है, यानी 3 ही लेसन है। आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं अगर आप लोग 4 नंबर पाना चाहते हैं। तो तरीका मैं बताता हूँ, देखो आप लोग करना क्या है, सबसे पहले आप लोग अपना किताब खोलिएगा। किताब खोलने के बाद मैं यहाँ पे बुक विद्या से बता रहा हूँ, आप चाहे विद्या से भी याद कर सकते हैं, चाहे आप अपने किताब से भी याद कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री किताब खोलिएगा, उसमें जो सबसे पहला पार्ट है द इन्वेंटर हु कीप हिज प्रॉमिस, इस पार्ट का जो बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पे मैं आप लोग दिखा देता हूँ। आप लोगों जो बहुविकल्पी प्रश्न है उस बहुविकल्पी प्रश्न को करना क्या है, अच्छे से आप लोगों सभी बहुविकल्पी प्रश्न को याद कर लेना है। तो स्टूडेंट इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हेन एडिसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास द टीचर थॉट दैट। इसके बाद प्रश्न पूछने के बाद हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पूछा गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में जो सही रहेगा हमें जो है उसका जो है आंसर अपने कॉपी में लिखना रहता है। तो आपको करना क्या है, अपनी किताब से चाहे याद करें, चाहे आपने विद्या जो लिया है उससे आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को करना क्या है आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। जब पहला पार्ट का जो है याद हो जाए तो आप लोगों को फिर दूसरा पार्ट का बहुविकल्पी प्रश्न जो याद कर लेना। दूसरा पार्ट है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इस पार्ट का क्या करना है आप लोगों को, इस पार्ट का भी जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसको भी आप लोगों को क्या करना है अच्छे से याद कर लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे पार्ट का यहाँ पर दिया गया है कि विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड बिकॉज, प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछने के बाद हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में जो सही है मैं उसका निशान लगा रहा है। इसी तरह के यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा दिया गया है, इन सभी को क्या करना है पूरा याद कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक एक पार्ट में जो है 10-12 क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन है। जब दूसरा पार्ट याद हो जाए फिर तीसरे पार्ट में हमें आ जाना है, तीसरा पार्ट है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, इसका फिर जो हमें जो आ जाना है फिर हमें बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से पूछा गया है जेस वाज ओमन वाज द एंग्री बिकॉज, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में जो सही है आप लोग अच्छे से लगा देना है। इसी तरह से पूरा जो विद्या से भी याद कर सकते हैं, चाहे फिर आप अपने किताब से भी याद कर सकते हैं। बस 3 पार्ट जो है सप्लीमेंट्री में 3 ही पार्ट हैं, तीनों पार्ट को क्या करना है अच्छे से याद कर लेना है, और अगर आप 4 नंबर पाना चाहते हैं तो 3 पार्ट हैं और जहाँ एक एक पार्ट में 10-12 क्वेश्चन है आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो मेरे को वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।